आज मोती कुंज में थाना लोहा मंडी क्षेत्र में सेवा भारती का एक कार्यालय है जिसमें बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं, और वहाँ पर कुछ शराबी तत्वों ने जब उन्हें मना किया गया तो वहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की, और जिससे पांच जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो घायल हुए, उन्हें उपचार हेतु ले जाया गया। चार लोग उसमें से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर पहुंचाया गया है, दूसरे केंद्र में ले जाया गया है, और एक अभी पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया, उनका उपचार चल रहा है, वो भी ठीक है। कुछ नामजद लोग हैं जो FIR कराई गई है, और 40-50 अज्ञात लोग उसके अंदर लिखाए गए हैं। मेरे द्वारा 6 टीमें बनाई गई हैं, सभी की रात में गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर और NSA दोनों की कार्रवाई की जाती मैं की जाएगी। मैं पुनः इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से सहन नहीं किया जा सकता। गैंगस्टर और NSA दोनों की कार्रवाई उनके ऊपर होगी। वजह सर, पूरे मामले देखिए, इसे चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्योरली एक आपराधिक कृत्य है और आपराधिक कृत्य के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। वजह सर, पूरे मामले में क्या तक सामने आई है, किस वजह से हमला किया? देखिए, जो प्राथमिक रूप से जो बताया गया, मेरी उनसे भी बात हुई, जिन विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई है, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जब वहाँ पर ये लोग शराब वराब पीते थे, अब कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्हें मना किया गया तो उससे क्रोधित होकर उन्होंने इस तरह कृत्य किया है। अभी दबिश हो रही है और संभवतः सभी रात्रि में पकड़े जाएंगे। सर, कितने लोग हैं सर उसमें? देखिए, उसमें अभी FIR मैंने देखी नहीं है, FIR अभी भी आई है, उसे पंजीकृत किया जा रहा है। उसमें 5-6 लोग और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें करीब करीब 40-50 अज्ञात और लिखा है। सर, सपा के पूर्व पार्षद पप्पू कुरैशी का नाम पूरे मामले में आ रहा है। देखिए, चाहे कोई पूर्व पार्षद हो या कोई भी हो, आपराधिक तत्व है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फोर्स की तैनाती भी की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल फोर्स तैनात है, सभी हमारे माने विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मौजी सामान मौजूद हैं, जो संगठन के लोग मौजूद हैं, और सभी से बात हो गई है और सभी इस बात पर सहमत हैं कि इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।